साइलेंट हो गया बोलो कहाँ पहुँचना चाहोगे तुम? बाबा साहब पहले तो इस बच्चे की सवारी आती थी, ठीक है, पूरे परिवार के सिर बंधे हुए सारे पेट में दर्द, सुइया वगैरह सुई वगैरह जैसे कीले चुकी हैं, इससे जकर बंधे परेशान है। घोड़े वाला देवता कहाँ था? ये दुकान भैया सब बस धोखे के दुकानें लगी है। घोड़े वाला देव कहाँ था तुम्हारे देवता? बाबा साहब जी से दिखाने जाते थे, कोई कुछ कर देते थे, हम जो पूछे के उतना बताओगे कि तुम? बाबा साहब अब दिखता नहीं है इस बच्चे। किसको नहीं दिखता? मैं कहता हूँ घोड़े वाला देवता पहले तुम्हारा कुल देवता था, कुल देव। हाँ बाबा साहब। वो कहाँ है घोड़े वाला देवता? बाबा साहब हमें पता नहीं था कि नहीं था। हाँ। है ना घोड़े में चलने वाला? हाँ बाबा है। हाँ। उसी को तो पूछ रहा हूँ, ये घोड़े में चलने वाला एक देव है। हाँ बाबा। जो उसका थान है, थान जानते हो? हाँ जी, स्थान। हाँ जी। वो देवता है, उस देवता के संग में घोड़े वाले के जिन्नाद है और एक ब्रह्म प्रेत है, और तुम्हारे पुरखों का था वो। हाँ वो पहले पुरखा उसके आते थे सवारी में। हाँ बाबा। आते थे और सवारी में आकर के लोगों का कल्याण भी करते थे। हाँ बाबा साहब। और वो खत्म हो गए हैं, खत्म हो गए। हाँ, वो पहले खत्म हो गए। हाँ पहले खत्म भी हो गए वो। और वही प्रेत जो सवारी आती थी वो मुक्त नहीं है अभी। हाँ बाबा। वो अब उसे भटक रहे हैं। हाँ बाबा। और देवता उसके संग में चल रहा है, जिन्नाद उसके संग में है। हाँ किसी की तंत्र विद्या काम नहीं करती है। हाँ अगर किसी को दिखवाने जाते हो तो पैसा तुम से लेते हैं बढ़िया। हाँ और एक विद्या अपनी और लगा देते हैं। यही ऐसे हो रहा है, सत्य बाबा साहब, यही कहानी है। हमने पहले लिखा इसमें, देखो, घर पर प्रेत जिंद के कारण घोड़े वाला देवता जिसमें सब परेशानी चल रही है, तंत्र क्रियाओं के द्वारा भी किया जा रहा है। मैंने जो जिसको दिखाते उल्टा अपनी विद्या का आह्वान कर देता है और देवता बंदिश में चल रहे हैं। ठीक है, तुम ठीक हो जाओगे। ये परेशानी तुमको 20 साल हो गए, हो गए कि नहीं हो गए? ये परेशानी 20 वर्ष हो गए लगातार, 20 वर्ष सिद्धवा के नाम का दीपक है, माता तोर वाली नाम का दीपक जलाते रहियो, तुम ठीक हो जाओगे पक्का। अगर आस लेके आओ तो पक्का ठीक हो जाओ। सब लोग लागू करो, पर ध्यान करना, काम कठिन है, कोई दिक्कत नहीं बाबा, तुम्हारा काम कठिन है तो तुमको ठीक होने में लगभग लगभग
तीन महीना तक तो घटी बड़ी होगी, पहले आराम मिलेगा, फिर समस्या बढ़ जाएगी, तीसरे सोमवार में फिर आराम मिलेगा, फिर तीसरे महीने फिर समस्या तेजी हो जाएगी, ऐसे लगेगी कि हम बचेंगे नहीं, और फिर धीरे धीरे आराम मिलने चालू हो जाएगा और ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, प्रक्रिया बंद नहीं करना। अच्छा टाइम लगे तो एक महीना में चाहे डेढ़ महीना में चाहे दो महीने में आते रहना, पर्चा लाते रहना, हाजी चढ़वाते रहना, ठीक है? ठीक है। और तुम